हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो कल हम लोगों ने लॉ स्टार्ट किया था, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज या रूल ऑफ लॉगरिथमिक्स। कितने रूल्स हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को ट्रीट करना है, कैसे सॉल्व करना है, और वो सारी चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल रूल ऑफ लॉगरिथमिक्स। तो सबसे पहला जो रूल है वो रूल क्या है, लॉग बेस ए एन इंटू एन इज इक्वल टू लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन। अरे यहाँ पर मैं एक साइड में देता हूँ, जैसे मैंने कल के लेक्चर में बता रखा था कि एम एन और ए के बारे में कि क्या कंडीशन आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो क्या क्या होना चाहिए, एम एंड एन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये मैं साइड में लिखा हूँ, सारे रूल्स में फॉलो होगा, जितने भी रूल्स में लिखूंगा सबके लिए एक साथ लिखा हूँ। ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बट ए इज नॉट इक्वल टू वन, पॉजिटिव होना चाहिए पर वन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अब रूल पे बात करते हैं, क्या है रूल, लॉग बेस ए एम इंटू एन इक्वल टू लॉग बेस ए प्लस लॉग ए एन। अब हुआ क्या कि लॉग ने मल्टीप्लाई को एडिशन में कन्वर्ट किया, इसको जनरल फॉर्म में अगर लिखा जाए, मैं अगर ऐसा लिखता हूँ एम इंटू एन इंटू पी, मैंने थ्री नंबर्स ले लिए, क्या होगा लॉग बेस ए एम लॉग बेस ए एन प्लस लॉग बेस ए पी। यानी यहाँ पर जितने भी मल्टीप्लीकेशन के नंबर होंगे वो सारे लॉग के कैसे हो जाएंगे, एडिशन में हो जाएंगे, ओके। लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। ऐसा अगर आपको इसके प्रूफ की जरूरत है, मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, नहीं आपको प्रूफ की जरूरत, पर मैं आपको एक फॉर्मूले की प्रूविंग बता दे रहा हूँ, वैसे ही उसी फॉर्मेट पे सारे फॉर्मूले की प्रूविंग होगी। मेन जो कॉन्सेप्ट है प्रूविंग का, प्रूविंग जैसे कि पूछी नहीं जाती पर आपको आनी चाहिए। तो प्रूफ किस तरीके से करना है, सिंपल सी बात है, एक्सपोनेंशियल का रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट है, तो जैसी प्रॉपर से हम लोग इनवर्स फंक्शन है उसका, तो जो प्रूविंग है वो भी उसी फॉर्मेट पर रही होगी, उसी तरीके से करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे इसको प्रूफ। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर की लॉग बेस ए एन को मैंने एक्स सपोज किया हुआ है, लॉग बेस ए एन को मैंने पी सपोज किया हुआ है, सॉरी वाई कर लेता हूँ, वाई लॉग बेस ए एन एक्स है, लॉग बेस ए एन वाई। अगर आप इसको इसको क्या करेंगे, इसको आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करोगे। मैंने कल कन्वर्ट करना बताया था कि बेस आप कभी चेंज नहीं करोगे, ए टू दी पावर एक्स कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए रेज़ टू पावर वाई इक्वल टू एन हो जाएगा। अब आप देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम इंटू एन, इन दोनों क्वांटिटीज का क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए टू एक्स, ए टू वाई और एम इंटू एन। यहाँ पर सेम बेस है, ए टू दी पावर एक्स प्लस y हो जाएगा और ये n इंटू एन आ जाएगा। अब देखिए n एक क्वांटिटी थी, नंबर है, n एक नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक नंबर आएगा, यानी x प्लस वाई एक होल नंबर हो गया, एक पावर हो जाएगी। तो आप फिर से इसको कन्वर्ट कर सकते हो एक लॉग के फॉर्म में। तो लॉग के फॉर्म में आप कैसे लिखोगे इसको देख लीजिए भाई, लॉग के फॉर्म में हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, लॉग बेस ए n इंटू एन is equal to x plus y, so log base a n into n, x की जो वैल्यू है क्या है, log base a m plus log base a n, y आपने इसे सपोज किया, तो इस तरीके से ये प्रूविंग हो जाएगी। तो जितनी भी log की प्रॉपर्टीज हैं बेसिक फंडामेंटल रूल्स में, वो सारी प्रॉपर्टीज एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले के थ्रू ही प्रूव होंगी। सिर्फ बेस चेंज एक ऐसा फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है वो मैं और भी आपको प्रूव करके दिखा दूंगा, और उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्या नहीं करना है। आप लोग से अक्सर गलतियाँ क्या हो जाती हैं, आप लोग जल्दी जल्दी क्या करते हो कि स्टार्टिंग के टाइम में आप लोग ऐसा देख लेते हो कि लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन नहीं लिखा हुआ, तो आप लोग क्या कर लेते हो, लॉग कॉमन कर लेते हो। ऐसा नहीं होता है, ये मैं स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ, मैं कई बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हुए देखा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर ये वो पॉसिबल ही नहीं, लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन, लॉग कॉमन कर लेंगे, फंक्शन तो कॉमन होता ही नहीं ना, अप्लाई हो रहा है ऑपरेटर जितने डील होते, तो आप उसे कॉमन नहीं कर सकते हो, ये बात बिल्कुल ध्यान रहे, ऐसा नहीं होता, ठीक है।
लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस एन, लॉग बेस एम प्लस एन नहीं हो सकता है, ये बात आप बिल्कुल क्लियरली आप याद कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। इसके बाद तो ये फॉर्मूला है, आप इसे याद रखें। जैसे मान लो मैं एग्जांपल जल्दी से इसको नोट कर लो भाई, जब वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं रख कर देता हूँ, और इसके बाद देखते हैं कुछ एक दो क्वेश्चन आए करते हैं इससे रिलेटेड। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम, लॉग सिक्स लिखा है, ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, टू इंटू थ्री लिख सकते हो, इंटू वन भी लिख सकते हो, तो आप इसको लॉग वन लॉग टू प्लस लॉग थ्री ऐसा लिख सकते हो, इसी रूल के थ्रू। देखो ये एम बन जाएगा, ये एन बन जाएगा, ये पी बन जाएगा, अब आगे पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉग टू लिखा है, लॉग थ्री लिखा है, लॉग वन लिखा है, तो बात अलग है कि लॉग वन की वैल्यू चेंज होती है, फाइनली लॉग टू लॉग थ्री रहेगा। तो ऐसा लिखा था, मैंने उसमें आपको ब्रेक करके दिखाया क्या इस तरीके से अप्लाई होगा, है ना। और एक्चुअली जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिख दिया लॉग फिफ्टी लिख दिया, अब आपको ब्रेक करना लॉग फिफ्टी को, ये देखना है लॉग टू प्लस टू लॉग फाइव। अब आपको दिमाग में बात आ रही है कि भाई यहाँ पर तो आपने बेस को लिखा ही नहीं, तो बेस क्या है, तो इसको भी मैं बताता हूँ अभी, बेस क्या है, लॉग फिफ्टी है। पहले मैं इसको सॉल्व कर दूँ, आप फिफ्टी को प्रैक्टिस करेगा, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, दोनों जगह से हो जाएगा, पर मैं अभी यहाँ से कर रहा हूँ। लॉग फिफ्टी को आप कह सकते हो ट्वेंटी फाइव टू जब, देखो भाई ये तो मल्टीप्लाई आ गए, दो नंबर आ गए, ट्वेंटी फाइव इंटू टू, तो आप इसको कह सकते हो लॉग ट्वेंटी फाइव प्लस लॉग टू, तो ये लॉग टू तो मिल गया, अब बचा क्या टू लॉग फाइव, तो आप फाइव ट्वेंटी फाइव को फाइव स्क्वायर लिख सकते हो, फाइव स्क्वायर और ये लॉग टू, ठीक है, तो ये टू जो है आपका लॉग फाइव इधर आ जाएगा, ये मैं अगले एक प्रॉपर्टी बताऊंगा वहां पर हो जाएगा, तो टू लॉग फाइव प्लस लॉग टू ये एक प्रॉपर्टी है। कई लोगों को आपको तो पता होगा नाइन्थ में आपके जैसे भी वर्ड लॉग था तो पता होगा पावर होती तो पहले आ जाएगा टू लॉग फाइव लॉग टू, तो इस तरीके से इसको डील करना। अच्छा एक चीज और, लॉग जनरली क्या होता है, दो तरीके से डील होता है, एक कॉमन लॉग होता है और एक नेचुरल लॉग होता है, दो तरीके से डील होता है, एक कॉमन लॉग और एक नेचुरल लॉग। अब कॉमन लॉग क्या है, नेचुरल लॉग क्या है, मैंने कल एक बात बताई थी कि किसी भी नंबर को, है ना, किसी भी नंबर को क्या कर सकते हो, कोई भी रियल नंबर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो। जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो बात सुनो, मैं कोई भी नंबर हो और बेस भी मैं अपने मन से ले सकता हूँ पॉजिटिव, तो मैं कुछ भी ब्रेक कर सकता हूँ। तो जो आपको लॉग टेबल दी गई है, तो उन्होंने जो लॉग टेबल बनाई है वो बेस 10 लेकर के सपोज किए, उन्होंने जो नंबर बनाए गए हैं वो लॉग, जो पीछे लॉग टेबल में जो आपके वैल्यूज लिखी हुई बेस 10 को सब बेस रखा गया है, और फिर उस 10 को लेकर के सभी नंबर्स को ब्रेक किया एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। तो जनरली क्या होता है 10 के फॉर्म में आपको बताना होता है, कैलकुलेशन भी उससे ईजी हो जाती है। और नेचुरल लॉग क्या होता है, बेस में ई होता है, यानी एक्सपोनेंशियल, यानी ये ई की पावर, ध्यान रखिएगा लॉग बेस 10 है अगर, तो ये अगर एक्स लिखा है या मैंने यहाँ पर मैंने कोई नंबर लिख दिया ए, तो आप इसको लॉग ए लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने बेस नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर बेस 10 होगा, ठीक है। जब भी बेस 10 है तो वहाँ पर कॉमन लॉग है, और जब भी और उसे कॉमन लॉग बोलेंगे, नेचुरल लॉग में बेस ई होगा, मतलब ऐसा होगा लॉग बेस ई ए, इसे आप जनरली लॉग एल एन ए लिख सकते हो, ये नोटेशन है आप बिल्कुल याद रखें, नेचुरल लॉग ई होगा और ई एक्सपोनेंशियल इसकी वैल्यू 2.237 के अप्रॉक्स होती है, 2.5 होगी, तो लॉग बेस ई ए जब ऐसा लिखा होगा तो ये एल एन ए होगा, एल एन ए का मतलब है बेस ई ए, ये बात याद रखें, लॉग बेस 10 ए, इसको आप लॉग ए जनरली लॉग ए बोल सकते हो। जब आप ऐसा बोल रहे होगे तो यहाँ पर आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए कि यहाँ पर जो आपका बेस होगा वो 10 होगा, दोनों को मैच मत करना, अलग अलग रखना कि दोनों को पता चला मैच करा दिया, तो ऐसा नहीं। तो कॉमन लॉग है बेस 10, नेचुरल लॉग है तो बेस ई, इसलिए तो देखिए मैंने यहाँ पर भी बेस नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि बेस 10 होगा, यहाँ पर देखिए मैंने कहीं नहीं लिखा है, अंडरस्टूड है कि 10 है। आपको क्वेश्चन में जब भी दिया जाएगा नहीं लिखा
होगा, आप ये बात समझ के चलोगे कि वहां पर केस क्या है, एन। अगर वहां पर नेचुरल लॉ के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, अगर एल एन ए लिखा है तो इसका मतलब है कि वहां पर बेस ई होगा। ये बात आप बिल्कुल अच्छे से याद रखते हैं, ठीक है। तो मैं आगे चलते हैं, और एक फॉर्मूले हैं। तो पहला फॉर्मूला ये होगा, पहले मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड रूल पर आते हैं कि लॉग बेस ए एम अपॉन एन होगा, अगर डिवाइड में है तो नंबर आपका सब्ट्रैक्शन पे हो जाएगा, यानी लॉग क्या होगा, अगर आपने मल्टीप्लाई में लिखा है तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर फ्रैक्शन पे डिवाइड में लिखा है तो वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में है ऐसा हो जाएगा। थर्ड रूल क्या है, लॉग बेस ए m to the power n लिखा हुआ है, इसको आप log n log base a m लिख सकते हो। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी होती है कि इसको आप प्लीज कभी ऐसा ना लिखें, ये ऐसा नहीं होता है, जो नहीं हो रहा है वो मैं स्पेशली बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर करके मैंने देखी तो आपको प्लीज ना करें। इन दोनों में डिफरेंस आपको पता चला होगा, यहाँ पर m पर पावर लगी है और यहाँ पर log m को जब सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी उस पर पावर लगेगी, ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, बिल्कुल ध्यान रखना। अच्छा, ये तो बेसिक फंडामेंटल तीन बहुत सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले ही आएंगे, ये तीन। इसके बाद जब आप आगे चलोगे तो और आगे कौन कौन से फॉर्मूले करेंगे उस पर बात करते हैं। फोर्थ नंबर एक फॉर्मूला मिलेगा आपको, a टू दी पावर n log बेस a के, इसको k टू दी पावर n लिखा जा सकता है। क्या है सब, क्या है यहाँ पर, ये बेस और ये बेस सेम होना चाहिए, यहाँ पर जो बेस है ये और इसकी पावर में जो लिखा हुआ है ये बेस सेम होना चाहिए। इसी पर फिफ्थ नंबर पर एक रूल और है कि a टू दी पावर m log बेस b, यहाँ पर c लिखा हुआ है, तो ये a और ये c इंटरचेंज किए जा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a आ जाएगा, मैंने किसको इंटरचेंज किया, लिख लीजिए a और c को, अगर c यहाँ क्या और a यहाँ चला गया, ऐसा हो सकता है। कभी कभी क्या होता है ना कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, a और a सेम होने चाहिए, ये a और ये a दोनों कैसे होने चाहिए सेम, यानी यहाँ का बेस और इस लॉग का बेस सेम होगा तो ये k रेज़ टू पावर m बनेगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो a और c ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, a टू दी पावर n लॉग बेस b c है, मैं c को यहाँ लिख दूंगा, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन पे देखेंगे। इसके बाद सिक्स नंबर देखते हैं, लॉग अगर आपका बेस खुद एक एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आता है a रेज़ टू p और नंबर आता है b रेज़ टू q, तो इसको q बाई p लॉग बेस a b लिखा जा सकता है, ये बात ध्यान रखिए, समझ गए। लॉग बेस a, ये आपका जो नंबर है कौन सा, ये वाला नंबर लॉग बेस a b, और ये जो नंबर है फिर आपका किस में लिखा हुआ है, बेस एक्सपोनेंशियल है, नंबर भी एक्सपोनेंशियल है, तो इन दोनों की जो पावर है ये दोनों पावर आपके पहले आ जाएंगे, लॉग बेस a बाय b, a बेस के साथ b नंबर को ऐसे लिखा रहेगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रही है। और इसके बाद ये स्टार्टिंग में जो मैंने तीन लिखे हैं वो आपके जनरली सभी जगह फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट का यूज होंगे, ऐसे में तो यूज होंगे, लेकिन जो थर्ड के बाद नंबर यूज हो रहे हैं वो आपको सब जगह आपको मिल जाएंगे, मतलब मैथ्स के क्वेश्चन में जनरली कहीं बीच बीच में यूज हो जाएंगे, तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा तो ये यूज होता है, मतलब सबसे ज़्यादा सारे यूज होते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखें, आप इनको पहले कॉपी करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके, फिर इसके बाद हम इसमें बेस चेंज फॉर्मूला देखें, ठीक है। चलिए, ओके,
चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। जीरो पॉइंट सिक्स लॉग टू पॉइंट फाइव वन बाई थ्री प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री टू प्लस एंड ऑन इनके आपको फोर प्रूव करना। ये क्वेश्चन मेरे पास जो हो गए काफी पुरानी हो गई, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन इस साल अभी जो पेपर हुआ है जेई मेंस का उसमें आया है सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा, बस थ्री की जगह पे साइड टू है पर ये नंबर सेम लिखे हुए, मतलब कि अभी इसी साल का क्वेश्चन है ये। तो पता चल गया होगा भाई क्वेश्चन आते हैं, आप पेपर अगर आप लोग डाउनलोड करो तो आपको पता चल जाएगा, उसमें देखो आप लोग पता चलेगा कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपको प्रूव करना है किस तरीके से प्रूव करना, पहले तो आप देखो।